बनाने जा रही हूँ पाव भाजी, जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स तैयार किए हैं और मैं फटाफट बनाऊंगी। यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया है, तो मैंने ये पहले मैंने बीन किया है, पटाखे को कोरिएंडर है, ये बीन्स है, गोभी है, सॉरी मिर्च है और टमाटर है, और ये मैंने लिया है कलर के लिए नेचुरल बीट रूट, जिसको चुकंदर से अच्छा कलर आएगा, इसलिए मैंने लिया, कोई फूड कलर ऐड नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पे लिया है ये जिंजर, मैंने थोड़ा सा ये किया था, और मैंने अनियन को चॉप किया है, यहाँ पे मटर है। अभी पैन जैसे ही गर्म होगा, मतलब कुकर जैसे ही गर्म होगा, इसमें मैं ऐड करूँगी अमूल बटर, मैं ऐड करूँगी उसमें। अगर आपको हेल्दी बनाना है डाइटिंग पे हो तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाव भाजी अमूल बटर में ही अच्छा लगता है, तो मैं इसमें बनाने वाली हूँ। ना जाए इसलिए मैं हल्का सा मैं ऑयल मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड करूँगी अभी। मेल्ट होगा, इसमें मैं डालूंगी जो मैंने जिंजर को ग्राइंड किया वो मैं डालूंगी, इसमें जीरा हल्का सा तेज पत्ता बना के रखा है गार्लिक जिंजर का, तो हल्का सा ये लूंगी मैं डाल दूंगी हूँ ग्रीन चिली इसमें, डाल दी हूँ चॉप अनियन, तो सब भून गया, इसी में मैं ऐड करने वाली हूँ गार्लिक जिंजर का थोड़ा सा पेस्ट, और इसमें मैं ऐड करूँगी हल्का सा हल्दी पाउडर, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, जितना आपको तीखा चाहिए, हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाएंगे, इतना ज़्यादा यहीं पे ऐड करूँगी ये पाव भाजी मसाला, तो मैंने इसको काट के रख लिया था, इसलिए मैं पाव भाजी कर रहा है ताकि उसका टेस्ट आए अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको, मसाले अच्छे से भून गया है, तो इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ सारे वेजिटेबल्स को जो मैंने चॉप कर रखे हैं, साथ में मैं मटर को भी इसमें डालूंगी, और ये मैं विंटर्स अभी है सीज़न, तो अभी तो सारे वेजिटेबल्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, सो जितने वेजिटेबल्स आपको वेजी चाहिए सब भर भर के डाल सकते हैं, और अपने पाव भाजी को बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं। सो हमारे पास अभी इतना कुछ था, तो इसलिए मैं इतना कुछ ऐड कर रही हूँ अभी, और सो जितने वेजिटेबल्स आपको वेजी चाहिए सब भर भर के डाल सकते हैं, और अपने पाव भाजी को बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं। सो हमारे पास अभी इतना कुछ था, तो इसलिए मैं इतना कुछ ऐड कर रही हूँ अभी। ये मैं ऐड कर रही हूँ पटाटो, बीन्स, चॉप टमाटो, चॉप टमाटो, ये बीन्स अच्छे से मिक्स कर लेना है एक साथ, और यहीं पे मैं ऐड करने वाली हूँ सॉल्ट, ऐड कर रही हूँ, फिर मैं
करने वाली हूँ पानी से, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, अगर कम लगेगा तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी। बंद करने जा रही हूँ ढक्कन को, सॉरी। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि कैसा बना। उसके बाद में रोज ऐसा नहीं खाता उसको, बिल्कुल एकदम पेस्ट करिए, तो मैं उसको भी खाने कर रही हूँ। जिसको मैं अभी ग्लास के हेल्प से इसको मैश करूंगी, क्योंकि हमारे पास कोई मैशर नहीं है। इसे निकाला है बर्तन और क्योंकि मैंने पैन यहाँ चढ़ा दिया है, इसमें मैं अभी घिसूंगी हल्का सा बटर और बनाने जा रही हूँ पाव। इसके लिए आप कोरिएंडर भी ले सकते हो ज़्यादा टेस्ट के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का सा पाव खाती हूँ, मसाला डालूंगी बटर में, फिर मैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर पाव भाजी के साथ प्याज और नींबू ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और ये रहा हमारा भाजी के रेडी, ये रहा हमारा पाव, ये रहा उसके साथ सैलड, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर पाव भाजी के साथ प्याज और नींबू ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और ये रहा हमारा भाजी जिसके ऊपर मैंने डाल रखा है बटर। जैसे लग रहा है मुंबई में खा रहा हूँ अच्छे रेस्टोरेंट में। चलिए इसके बदला कुछ नाम निकालिए मेरे लिए, सामने निकाल दो उसका ही है। थैंक यू। जल्दी इनसे कुकिंग सीखिए कैसे कैसे बनाते हैं।